उस समय से बिलोंग करती हूँ जब मेरे जब मैं बचपन में थी, मेरे अंदर एक इच्छा जागृत हुई थी कि मैं शास्त्रीय संगीत को सीखूं, क्योंकि उस घर में मैंने जन्म लिया। मेरे पिताजी पंडित सुदर्शन शर्मा जी जो एक वायलिनिस्ट थे, एक बहुत बड़े विद्वान थे, टीचर थे, ज़्यादा परफॉर्म बाहर नहीं किया, रेडियो से बजाते थे, लेकिन बहुत गुणी थे। हिमाचल में जन्म हुआ, उनसे सीखा, और जब भी कोई क्लासिकल के कॉन्सर्ट्स होते थे मैं उनके साथ जाती थी, उंगली पकड़ के उनकी। और प्रोग्राम्स पठानकोट संगीत सभा होती थी, जालंधर में हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन होता था, जाती थी। बड़े बड़े कलाकार वहाँ आते थे और मैं इमेजिन करती थी कि मुझे किसी वोकलिस्ट से सीखना है एक दिन। मेरे पापा वायलिनिस्ट थे, उन्होंने रागों का बहुत ज्ञान मुझे दिया, बहुत पक्का और बहुत सख्ती के साथ ज्ञान दिया। 5 साल की उम्र से हमसे सीखना शुरू कर दिया था। दादी दादा नानी नाना से कहानियाँ सुनती थी कि काशी विद्या का गढ़ है, तो एक इच्छा थी कि एक दिन मैं ज़रूर बनारस घराना सीखूंगी, पर वो कैसे सीखूंगी ये मालूम नहीं था। तो बैठ के मैं सोचती थी, मनन करती थी, और जब भी कोई बनारस घराने के गायक या गायिकाएँ आते थे तो मन अंदर से बहुत झूम उठता था। शायद ये कारण रहा होगा कि उसमें वैरायटी जो है, उसमें अध्यात्म का तत्व है और साथ साथ में उसमें श्रृंगार तत्व है। जीवन से जुड़ी हुई हर चीज़ उससे रिफ्लेक्ट करती है, उससे निकलती है। हर घराने की अपनी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, अपनी खासियत होती है, लेकिन बनारस घराने का एक जो सबसे चीज़ थी, जो मुझे सबसे अलग दिखती थी और सबसे ज़्यादा अपनी तरफ आकृष्ट करती थी, वो थी उसमें शास्त्र पक्ष और भाव पक्ष दोनों ही एक साथ एक जैसे उसको महत्व दिया गया। मैं जब सीख रही थी तो गुरुजी हमेशा कहते थे लिखो मत, बंदिश ऐसे याद करो। और सोनी के छोटे छोटे टेप रिकॉर्डर तो थे तब, तो अलाउड नहीं था रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड मत करो, दिमाग में रिकॉर्ड करो। और अब समझ में आता है कि वो ऐसा क्यों करती थी। अब क्या है, हमारे पास इतना कुछ हो गया है, यूट्यूब है, हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम किसी को मना कर दें वो कैसे रिकॉर्ड कर लेगा, हमें समझ में नहीं आएगा कब कैसे रिकॉर्ड हो गया। और इतनी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं और ये होता है कि हमारे पास है, हम याद कर लेंगे, और वो जो याद कर लेंगे वो कभी नहीं होता है। एक चीज़ गुरुजी सुबह सिखाते थे और शाम को अगर सुननी होती तो दिन भर आप उसको रटते थे। शाम को जब गुरुजी आते थे तो बोलते थे अब यहाँ ना ही भयल अभी नहीं हुआ, फिर उस पर रातों को जाके सोचते थे। और अब क्या हो गया है, अब स्थिरता नहीं है, ध्यान नहीं है। वो शायद जो एक सफ़र था, इसको टच करने के पहले का सफ़र जो था वो नहीं रहा। सीधा ही आप आएंगे, पहले दिन ही आपको हम सिखाएंगे, पहले दिन ही आप हमें फीस दीजिए, आप जाइए, और उसके बाद मन करे तो आइए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। फिर ग्लोबलाइजेशन हो गई है, फ्यूजन, ये सब इतनी चीज़ें आ गई, वो तो शुरू से होता रहा है, लेकिन तब शायद लोगों में थोड़ी, मैं तो कहूँगी शर्म थी। अब जो हमारे पास इतना सोशल मीडिया ये सब आ गया है, हमें कुछ नहीं भी आता है, हम पहले सुबह उठ के सोचते हैं क्या शो ऑफ करेंगे आज, ये शुरू हो गया। फेसबुक पे कौन सी पिक्चर जाएगी, और क्या, अगर आप कुछ करने की बात करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कब तक किसको हम धोखा देंगे भगवान जाने। तो ये सोशल मीडिया एक तरफ से तो बहुत अच्छी चीज़ है, इंटरनेट बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कई बार होता था पुराने ज़माने में कुछ गुरु लोग इतने ज़्यादा रिजिड भी होते थे कि जेन्युइन लोग बेचारे जिनके पास कई बार टाइम नहीं है, लड़कियां हैं, शादी होगी इतने सालों साल, तो उनका वो इच्छा दबी की दबी रह जाती थी और वो सीख भी नहीं पाते थे, तो इतना टेस्ट भी ठीक नहीं था। लेकिन अब जो हो गया है इतना फास्ट, ये भी थोड़ा टू मच है। Yeah.